तो ये है ड्राई वाले स्क्रू, जो है देख लीजिए ये है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है ड्रिल से लगता है, ये लोहे पे सीधा टाइट होता है। जो है लोहे की कोई भी सेट, टीन सेट लगाना हो, कुछ भी लोहे में लगाना हो तो रोकना हो टीन वगैरह, आसानी से ड्रिलिंग होके जाके खुद ही रुक जाता है। यहाँ पे इसमें रबड़ वार्सल लगा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। जो है इसमें भी जो है इसका साइज बस दिखा दे रहे हैं आप सभी को, ये है इसका जो सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू एंटेक्स वार्सल साइज आता है, जिसका वार्सल इसमें साथ में आता है जो है 4.8। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जैद पेंट। तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जैद पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर। तो गाइस आज जो वीडियो जो है होगी वो है स्क्रू पर, यानी कि हार्डवेयर की शॉप पे किन किन साइजों का क्या, कौन कौन से स्क्रू रखने चाहिए, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, इसकी एक वीडियो बनाएंगे जो है, और आप लोग जानें कि हार्डवेयर की शॉप पर किन किन कौन कौन से स्क्रू रखें और क्या क्या साइज़ रखें, तो कस्टमर क्या डिमांड करते हैं, तो उस बेस पर आप मतलब ये स्क्रू का तो हार्डवेयर पर रखना जो है बहुत ज़रूरी है जो है, और इससे जो है बेनिफिट भी काफ़ी रहता है। तो एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो है जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं वुड स्क्रू, जो है इसको सेफ्ड हेफ्ड बोलते हैं, जो है वुड स्क्रू जो है आता है ये है, इस तरह के देख लें, इसका साइज़ जो है ये है 1.25 इंच जो है। पहले आप साइज़ जान लें इनमें कौन कौन से साइज चलते हैं। ये वुड स्क्रू है, ये जो है सेफ्ड हेड में आता है, ये हाफ थ्रेड में होता है जो है, ये जो है हाफ थ्रेड में होता है, ये 1.25 इंची का स्क्रू है। ये यहाँ इसका जो हेड रहता है ऐसा रहता है माइनस में जो है, और हाफ चूड़ी रहती है इसमें जो है, हाफ थ्रेड में रहता है। तो इसमें जो साइज चलते हैं वो है जैसे 20-5 एक इंची हो गया, 1.25 इंची हो गया, 20-5 1.25 इंची, उसके बाद जो है 1 इंची आता है जो है, ये 1 इंची हो गया जो है, उसके बाद आता है ये 25-6 यानी 25 यानी कि 1 इंची 25 mm 6 है ये, तो ये 6 नंबर स्क्रू है ये जो है, 25-6 इसको बोलेंगे जो है, 25-6 तो 1 इंची हो गया। उसके बाद आता है 30-7 30-7 7 नंबर स्क्रू है, 30 यानी कि 1/4 इंची है इसको बोल है, 1/4 इंची है ये, तो 1/4 इंची है, देखिए 1/4 इंची का पेच है जो है, ये 1/4 इंची का पेच है। तो आप तो ये सब तो कब्जे वगैरह में लगते हैं, फिर उसके बाद 1/4 इंची के बाद 1.5 इंची आता है, उसके बाद ये 1.5 इंची है, सबसे ज़्यादा कौन सा बिकता है, तो 1.5 इंची पेज ये जो है 35-8 इसको बोलते हैं, ऐसा रहता है। तो ये जो है कब्जा वगैरह में जो कारपेंट फर्नीचर वगैरह लाइन में जो है कारपेंटर लोग जो लगाते हैं जो है डोर वगैरह जब चढ़ाते हैं, तो उन सब में ये सब या हैंडल हुआ, डेर हुआ, सिटकिनी हुआ, बेलन हुआ, तो उन सब चीज़ों में जो है ये सब पेज लगते हैं, छोटे से बड़े साइज तक 1/4 इंची से 1.5 इंची तक, यानी कि 1/4 इंची जो इनमें सबसे ज़्यादा चलता है, 1.5, 1.25, 1.5, ये ज़्यादा चलते हैं। उसके बाद ये आता है 25-8 पेज इसको बोलते हैं, ये भी सेफ्ड हेड है, यही है सेफ्ड हेड बोलते हैं इसको जो है, माइनस में रहता है ये हाफ थ्रेड, ये 1 इंची है, 8 नंबर पेज ही मोटे में थोड़ा हो जाता है जो है। उसमें फिर बड़ा साइज जो बड़े साइज चलते हैं वो फिर 2 इंची हो जाता है, 60-10 ये देख लीजिए, 60-10 है जो है, ये 60-10 यानी कि 50-10 आएगा 2 इंची का जो है, ये 50-10 ये 2 इंची हो गया जो है, 50-10 जो है ये 2 इंची का पेज है, 2 इंची हम आपको खोल के दिखा दे रहे हैं कैसा है ये, तो ये 2 इंची का पेज है ये जो है, ये 2 इंची का है, ये भी आपके हार्डवेयर की शॉप पे जो है रखा जाएगा। उसके बाद ये है 2.5 इंची पेज है, फिर इसमें आता है ये 2.5 इंची का पेज, ऐसे साइज़ बढ़ता जाएगा। उसके बाद 75-10 आएगा इसमें जो है, 75-10 जो है, 75-10 आएगा जो है, वो 3 इंची जो पेच हो जाएगा, फिर ये 3 इंची पेच हो गया। ये तो हो गया मतलब ये हाफ थ्रेड में जो चलते हैं ये सब स्क्रू, इतने साइज हो गए जो है। अब जो बात करेंगे वो है ब्लैक स्क्रू जो आते हैं, जो है जिप्सम स्क्रू जिसको बोलते हैं, POP स्क्रू बोलते हैं जो है, तो वो 1/2 इंच से शुरुआत होती है जो है,
देख लीजिए यहाँ पे ऐसे बॉक्स में आते हैं जो है, पहले इनका साइज़ हम दिखा दे रहे हैं। जैसे ये 3.5 mm का स्क्रू है ये, और ये 25 mm यानी कि 25 साइज इसका 25 है जो है, यानी कि 1 इंची का है। इसमें 1 इंची आए आधा इंची से शुरुआत होती है जो है, सबसे ज़्यादा जो मतलब ये 1.25 इंची है, ये 1.25 इंची 3.5 19 mm यानी 1.25 इंची जो है, 13 mm हो जाएगा तो वह आधा इंची हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 रहेगा, जैसे 3.5 mm अगर यहाँ पे 13 होगा तो वह आधा इंची हो जाएगा जो है। तो आधा इंची से शुरुआत होती है, आधा इंची का हम दिखा रहे हैं आपको जो है, आधा इंची में जो है ये है आधा इंची का देख लीजिए, लेकिन ये सफ़ेद में वाइट में है, ये आधा इंची आता है, ये फुल थ्रेड में रहता है। 6 नंबर स्क्रू बोलते हैं जो है इसको, 6 नंबर स्क्रू बोलते हैं ये। इसमें साइज़ रहेगा जो है, साइज ये है देखो, यहाँ पे लिखा हो 13 6 ऐसा लिखा रहेगा जो है। उसके बाद जो है ये ब्लैक स्क्रू हो जाएगा जो है, काले स्क्रू सबसे ज़्यादा यही सबसे ज़्यादा चलते हैं, ये काले वाले स्क्रू जिनको बोलते हैं। तो इनमें साइज जो चलता है 1/2 इंची 1/2 इंची 1 इंची 1.5 इंची 1.5 इंची 2 इंची 2.5 इंची 3 इंची 4 इंची 4 इंची तक। तो इनमें हमारे पास सब साइज़ हैं, 4 इंची तक के इसमें हमारे पास साइज़ हैं जो है। फिर 1.5 इंची ऐसे डिप बॉक्स में आते हैं जो है, ये 1.5 इंची हो गया, ये 1.5 इंची है, ऐसे डिब्बे में रहेगा जो है, 1.5 इंची हो गया। फिर 2 इंची 2.5 इंची तो 2 इंची में जो है, ये 2 इंची का पेच है, ब्लैक पीओपी स्क्रू जिसको बोलते हैं जो है, ये 2 इंची है, 2 इंची देख लीजिए जो है, 2 इंची का जो है। तो 2 इंची में जो है आपका ये साइज़ बन जाएगा आपका, इसका जो है 3.5 50 mm जो है, 50 mm। इसके बाद जो है आएगा 2.5 इंची, 2.5 इंची का जो साइज़ हो जाएगा जो है 3.5 60 mm, 3.5 60 mm जो है, जो है तो ये 2.5 इंची हो गया। उसके बाद आएगा ये 3 इंची हो गया जो है साइज़ इसका, 75 × 6 mm 6 mm यानी 6 नंबर का ये पेच रहता है, इसमें भी 6 नंबर 8 नंबर होता है, ये तो 3 इंची है, 75 mm यानी कि 3 इंची जो है। उसके बाद 4 इंची आएगा जो है, ये 4 इंची में आ जाएगा, फिर ये जो है 100 mm आएगा। तो सबसे बड़ा साइज़ होता है इसमें 4 इंची जो है, 4 इंची का, ये 4 इंची का पेच है, ये बहुत कम चलता है, ये बस 2 तक सीमित है, 1.5 1.5 2 इंची 1.5 इंची तक बहुत रनिंग में रहता है, बाकी उसके बाद फिर बहुत कम ही ये सब चलते हैं जो है। इसमें भी 6 नंबर 8 नंबर 8 नंबर जो आएगा जो है, जैसे ये 6 नंबर 6 नंबर थोड़ा पतला रहेगा, 8 नंबर थोड़ा मोटा हो जाएगा जो है। तो इसमें भी जो है 2 साइज मतलब 2, एक पतला एक मोटा, यानी कि 6 नंबर लोगे तो पतला रहेगा, 8 नंबर लोगे तो वो मोटा रहेगा जो है। फिर उसके बाद आता है ये SS, मतलब उसी में जो है ये जो है SS स्टीलनेस स्टील में, ये स्टील के पेच रहते हैं, जो पहले आपको दिखाया था वो लोहे में थे, GI में थे, यानी कि वो लोहे में थे, ये स्टील के पेच हैं जो है, ये स्टील के पेच हैं, इसमें जंग नहीं लगेगी जो है। तो इसमें भी जो है 4 साइज चलते हैं जो है, बहुत 4 ही साइज ज़्यादा रखे, जैसे 1/2 इंची जैसे, उसमें भी 1/2 इंची जो 20-5 का था, ये प्लास्टिक की डिब्बी में आते हैं, 200 पेच का डिब्बा रहता है जो है, 200 पेज का 20-5 आ गया 1/2 इंची, फिर ये 30-7 हो जाएगा जो है 1/4 इंची, 25-6 हो जाएगा 1 इंची जो है, 25-6 इसमें 25-6 1 इंची जो है, इसमें 4 साइज बस ज़्यादा रखिए, ज़्यादा नहीं रखिए जो है, 1/2 इंची 1/2 इंची और 1 इंची जो है, 25-6 ये 1 इंची है जो है, 1 इंची ऐसे स्टीलनेस स्टील। उसके बाद 30-7 रखिए जो है, 30-7 रख लीजिए आप लोग, 35-8 बस इतना ही ज़्यादा स्टील में, ये जो है चार तरह के स्टील में आते हैं, ये स्टील में कोई स्टील मांगे तो स्टील दे दीजिए, अगर लोहे में मांगे तो लोहे वाला दे दीजिए, लोहे वाले सस्ते आते हैं जो है, वो 45 से 50 रुपये की डिब्बी आती है, और ये तो 120-130 रुपये तक में मार्केट में सेल करते हैं।
उसके बाद गाय जाता है, ये मशीन स्क्रू बोलते हैं, ये गोल्डन पॉलिश में रहते हैं, देख लीजिए इसमें नट रहेगा, वार्सल रहेगा, जिस तरह के जो है फुल थ्रेड में रहेगा जो है इसका जो है ये ऐसे में दिखता है, ये देख लीजिए। तो ये जो है इसमें जो साइज चलता है वो 1 इंची से लेकर जो है 1 इंची 1.5 इंची जो है और 2 इंची 2.5 इंची, तो इस तरह से जो है इसमें साइज चलता है। ये भी जो है इसको बोलते हैं मशीन स्क्रू, गोल्डन पॉलिश रहेगी इसके जो है, तो इसमें जो साइज रखते हैं 1 इंची जो है 1.5 इंची 1.75 इंची, इस तरह के डिब्बे में भी आते हैं। देखो ये 1.75 इंची पेज है, 3/16 ये इसका साइज जो है, ये 3/16 साइज है। तो ये हो गया मशीन स्क्रू, इसमें जो है ये 1.5 इंची है, उसके यहाँ पे देख लीजिए जो हम दिखा दे रहे हैं, तो ये 1 इंची है, ये 1 इंची 1 इंची का पेज हो गया, इसमें नट रहेगा साथ में। उसके बाद जो है ये 1.5 इंची का पेज है ये है, फिर 2 इंची आ जाता है, 2 इंची आ जाता है, 2 इंची 2.5 इंची और साइज बड़ा 2.5 इंची 3 इंची 4 इंची बड़े बड़े साइज आ जाते हैं इसमें जो है। उसके बाद एक स्क्रू और चलता है इसमें, फुल थ्रेड में आते हैं, ये वाले स्क्रू चलते हैं, ये बंसल के जो 6 नंबर है, जैसे ये 6 नंबर है, तो ये 25 यहाँ पे लिखा होगा, देखो 25 छा, ये जो है फिलिप हेड बोलते हैं, इसका जो सिर होता है वो प्लस प्लस वाले स्क्रू होते हैं, ये जो है ये देख लीजिए, ये प्लस वाले स्क्रू होते हैं, इसमें भी 6 नंबर और 8 नंबर मोटे पतले आते हैं, जैसे 25 छा है, अगर मोटा लेंगे तो 8 नंबर यहाँ हो जाएगा, 25 8 तो और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा यहाँ पे जो है, तो इसमें भी साइज़ वही चलेंगे, 1.5 और 2.5, तो ये फुल थ्रेड में रहते हैं जो है, जैसे भी छोटे साइज में दिखा रहे हैं, ये फ्लिप हेड बोलते हैं इसको जो है, इसमें जो है माथा चपटा रहेगा, प्लस यहाँ पे रहेगा जो है, 4 मुंह के इसमें स्क्रू ड्राइवर लगेंगे जो है। इसमें बड़े साइज आते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 इंची का भी है, इसमें जो है 8 नंबर स्क्रू हम दिखा रहे हैं आपको जो है, यहाँ पे पहले डिब्बा देख लीजिए जो है, ये 8/50 ये 2 इंची है, 2 इंची स्क्रू है ये, तो ये भी जो है ये फुल थ्रेड में रहते हैं, ये जिंक पॉलिश रहती है, तो ये SS नहीं रहते, ये जिंक पॉलिश रहती है जो है, ऐसे दिखेगा जो है। तो ये जो है इनमें भी आप जो है 1.5 इंची से लेके 2 इंची 2.5 इंची 1.5 2 1 सब साइज रखना पड़ेगा आप सभी को जो है। हमारे पास इनमें जो है 2 इंची का है, ये 8 नंबर 38 mm तक है जो है, ये 38 8 का जो है, ये भी जो है फुल थ्रेड में है, ये 1.5 इंची पेज बोलते हैं, ये मोटा पेज है जो है ये, तो ये देखिए जो है, तो ये फुल चूड़ी में भी आप सभी को रखना पड़ेगा, जैसे ब्लैक रख रहे हो तो इसमें भी फुल चूड़ी में जो भी साइज है 2 इंची 3 इंची सब साइज आप इसमें रख लीजिए। उसके बाद आता है गाइस ये सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू बोलते हैं इसको, ड्राई वाल स्क्रू भी बोलते हैं, तो इसको हम दिखा दे रहे हैं, ये साइज जो है 1.5 इंची का साइज है जो है, पहले यहाँ पे आप साइज इसको देख लीजिए, साइज इस पर कहाँ पे क्या मेंशन हुआ है, ये 3.9 × 19 mm, ये यहाँ पे बहुत छोटा सा इस पर दिख रहा होगा, देख लीजिए 3.9 × 19 mm जो है, ये 1.5 इंची का स्क्रू है ड्राई वाल, जिसको सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू भी बोलते हैं जो है, हम आपको इसको दिखा रहे हैं 1.5 इंची का, इसमें 1.5 इंची 1 1.5 1.5 2 सभी कई तरह के साइज आते हैं जो है। ये जो है सीधा ड्रिल जो है होके लगेगा जो है, हम आपको इससे यहाँ से करीब से दिखा दे रहे हैं बैक कैमरा करके जो है। तो ये है ड्राई वाल स्क्रू जो है, देख लीजिए ये है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है ड्रिल से लगता है, ये लोहे पे सीधा टाइट होता है जो है, लोहे की कोई भी सेट टीन सेट लगाना हो, कुछ भी लोहे में लगाना हो तो रोकना हो टीन वगैरह या कुछ और चीज़, तो उस पर ये ड्रिल से जो है बीट इसकी आती है, इस तरह की बीट रहती है ये, इस बीट से जो है ये लगाया जाता है, ड्रिल में बांध कर इस बीट से इसको ये लगाया जाता है। ये 1.5 इंची है, इसमें एक साइज ये हो जाएगा, ये 1 इंची का जो है, इसमें फिर 1.5 इंची आता है, ये देख लीजिए 1.5 इंची आएगा, फिर 2 इंची साइज बढ़ते चले जाएंगे जो है।
तो ये इसको बोलते हैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू, ड्राईवाल स्क्रू बोलते हैं इसको। ये इस तरह के बीट से जो है लगता है ये जो है। बट गाइस ये आता है, इसको भी जो है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू भी बोलते हैं जो है। ये जो है 1.25 इंची का है ये है। इसमें जो है टीन शेड वगैरह जो लगाते हैं ये उन लोगों के काम में आता है जो है। डायरेक्ट मतलब वो सीधा चद्दर को ऐसे में जो है जाके डायरेक्ट इसको पेच नहीं लगता, ये इसका जो हेड ऐसा रहता है, ड्रिल आगे बनी रहती है, तो ये जो है आसानी से ड्रिलिंग होके जाके खुद ही रुक जाता है। यहाँ पे इसमें रबड़ वार्सल लगा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू जो है। इसमें भी जो है हम इसका साइज दिखा दे रहे हैं आप सभी को। ये है इसका जो सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू हेक्स वार्सल साइज आता है, जिसका वार्सल इसमें साथ में आता है जो है 4.8 × 20 mm जो है। तो 600 पीस का ये बॉक्स रहता है जो है। इसमें जो है इसमें भी जो है चलते हैं 1.25 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची तक जो है चलते हैं। लेकिन ज़्यादातर टीन सेट के लिए जैसे हमारे पास ये 1 इंची का जैसे है ये जो है, तो ये 1 इंची है जो है। ये 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये पीस के हिसाब से बिकता है जो है। यानी कि जैसे अभी 1.25 इंची 2 रुपये पीस, ये 2.5 रुपये पीस इसको नग के हिसाब से बेचा जाता है। तो ये जो है 1 इंची का साइज़ है जो है, ये जो है 1 इंची का साइज़ है। 1 इंची में हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू साइज 10 mm इसकी मोटाई है, थिकनेस है जो है 10 नंबर जिसको बोलते हैं, 25 mm इसका जो है, 25 mm यानी कि 1 इंची, 600 पीस जो है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। तो ये है इसमें, फिर 1.5 इंची आएगा वो 35 mm हो जाएगा जो है, 1.5 इंची, 2 इंची, तो इस तरह से और साइज बढ़ते जाएंगे। तो ये जो है इसकी जो लगाने का तरीका रहता है, इसमें जो है ये बीट होती है, इसमें ये बीट ड्रिल में बांध के जो है इसके अंदर जो है इसको लगा करके ऐसे देखो, ये ऐसे जो है ये बीट चलती है, तो ये खुद ही अपने आप जाके जो है टीन वगैरह जो सेट वगैरह लगते हैं उसमें लगता है। तो ये इसमें हैक्स वार्सल लगा हुआ है, ये रबर के वार्सल हैं, तो जब लगा देते हैं तो इसमें पानी भी नहीं जाने देता जो है। उसके बाद गाय जाता है ये जो है, ये भी जो है स्टीनलेस स्टील है जो है, ये स्टीनलेस स्टील CSK फिलिप हेड में है जो है। ये देखो 1.25 इंची का है जो है, इसमें साइज जो ये स्टीनलेस स्क्रू है जो है, ये फुल थ्रेड में है, और ये इसमें प्लस वाले स्क्रू बोलते हैं जो है, प्लस इसका हेड प्लस में रहता है। और इसमें जो है 1.6 यानी कि 1.6 mm 6 नंबर है, 6 नंबर, 25 mm 1 इंची, फिर यह 1.5 इंची, 1.5 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, और इसमें भी साइज आते हैं, लेकिन जो है ये स्टील वाले हैं थोड़ा, तो इनको जो है 1 मिनट खोल के दिखाते हैं। तो ये हैं जो है, देखो ये स्टीनलेस स्टील है जो, ये फुल थ्रेड में होता है, ये फुल चूड़ी में रहता है जो है ये स्टील में। इसमें जंग लगेंगे कब्जे वगैरह में, जो स्टील कब्जे लगते हैं तो ये सब उसमें स्टील के जो भी चीज़ें रहेंगी, जहाँ पे खूब एकदम फिनिशिंग से काम होता है, तो ये वहाँ पे पेच लगाए जाते हैं। उसमें 25 mm यानी कि 1 इंची है, ये 1 इंची है जो है, ये भी सब स्टील के पेच है जो है, ये भी चलते हैं जो है। ये बहुत कम लेकिन बहुत महंगे पड़ते हैं, ये जो है नग के हिसाब से बिकते हैं। ये 1.5 इंची पेच है, ये फुल थ्रेड में होता है, ये भी ड्रिल से ही टाइट होते हैं सब जो है। तो ये कब्जे वगैरह में भी कई जगह में लगते हैं जो है। तो आई होप शायद आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने जितने भी सारे स्क्रू थे उन सभी का मैंने आप सभी को दिखाया है जो है, उन सभी का जो है साइज बताया, कौन कौन से आप सभी को रखने चाहिए, उन सभी चीज़ों को हमने बताया। और अगर हमारी इस वीडियो को अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। बड़ी मेहनत से जो है वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए, हार्डवेयर की शॉप पर जो है, आप सभी को इन सभी को चीज़ों को रखना ज़रूरी है। और आप सभी अपने हार्डवेयर की शॉप पे अगर खोले हुए हैं तो रखें जो है इन सभी चीज़ों को जो है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है और आप लोगों के लिए इतनी जानकारी भी लेके आते हैं। जो लोग नए हैं इस धंधे में या उन लोग को पता नहीं रहता, तो हमारी वीडियो देखकर वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड, वीडियो हो रही लंबी। ओके।
बाय बाय।